पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले वो निपट गए श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले वो निपट गए नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले उसकी कुर्सी चली गई यहाँ तक कि शक्तिशाली देश दुनिया का अमेरिका उसके राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार उनकी कुर्सी चली गई बेचारा जेल चला गया पनौती नाम के लोग ऐसे अशुभ होते राजस्थान में बोल के आए तीन दिसम्बर को कांग्रेस छू मंत्र भैया छू मंत्र कैसे होगा छू मंत्र बोलने काम तो जादूगर होता है जादूगर बोलेगा ना हमारे देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेगा अरे हमारे देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री मंत्री चुना था तपस्वी नहीं चुना था आज बढ़ती हुई महंगाई को ये विकास समझने लगे हैं तो लोगों के समझ में आ गया है कि बहुत हुआ है अत्याचार अब नहीं सुनेगी ये जनता की सरकार अब सरकार जो है जनता की हो मोदी सरकार नहीं होगी एक अकेला सब पे भारी है अब सबको अकेले पे भारी नहीं चाहिए यही तो बता रहा हूँ मोदी जी एक अकेला सब पे भारी हो गए ना सब पे भारी हो गए बेरोजगारी पे भारी हो गए महंगाई पे भारी हो गए किसान पे भारी हो गए ठीक है यहाँ तक इतना भारी हो गए इतना भारी हो गए इतना भारी हो गए कि देश की जितनी संपत्तियां थी अडानी को दे बस एक अकेला सब पे भारी कुर्सी हर हाल में चाहिए कुर्सी हर हाल में चाहिए नमस्कार मैं नूर और आप देख रहे हैं जनित आवाज इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फूलचंद यादव जी जिस तरीके से जो मोदी है उसको पनौती बोला जा रहा है पहले जनता ने बोला फिर उसके बाद अब राहुल गांधी भी उन्हें पनौती बोल रहे हैं इस तरीके से मतलब राहुल गांधी को राहुल गांधी जो उन्हें पनौती बोल रहे हैं कहाँ तक सही है इन्हीं से हम बात करेंगे कहाँ तक राहुल गांधी जो बोल रहे हैं पनौती इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं कहाँ तक सही है ये सबसे पहले आपको और आपके दर्शक को हमारा नमस्कार है पनौती का मतलब होता है पनधन औती जिसमें बालपन होता है मनुहार होता है ठीक है कहीं पर अशुभकारी माना जाता है असंकेतक माना जाता है अशुभ होता है और कहीं पर जो है इसको बहुत अच्छा मानते हैं नेपाल में जो है पनौती मंदिर है और भारत में एक उत्तर प्रदेश वादा जिला है वहाँ पर एक पनौती नाम का गांव है और पनौती नाम के लोग ऐसे अशुभ होते हैं जहाँ कोई काम होता रहे हो जाए लेकिन इस बात को छोड़ दीजिए हम आज आपको वहाँ ले चल रहे हैं जब मोदी जी ने संसद में कहा एक अकेला सब पे भारी तो मैंने अध्ययन करना शुरू किया एक अकेला सब पे भारी मैंने बचपन में पढ़ा था एक अनाज सौमी बार मोदी जी कह रहे हैं एक अकेला सब पे भारी तो मैंने विश्लेषण करना शुरू कर दिया मोदी जी जब गुजरात के प्रधानमंत्री बने तो प्राकृतिक आपदा के रूप में कच्छ में बहुत बड़ा भूकंप आया गोधरा जैसे कांड हुआ है फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं एक अकेला सब पे भारी फिर उस समय प्रधानमंत्री थे दो को छब्बीस मई को जब भारत के चौदाहवें प्रधानमंत्री बने तो उस समय मोदी जी जा करके संसद का माथा चूमा तो देश की जनता को लगा कि ये तो बहुत आदर्श और संस्कार वाले प्रधानमंत्री हैं आज आज हमारी वही संसद ध्वस्त होने के कगार में है नई संसद बन के तैयार हो गई एक अकेला सब पे भारी प्रधानमंत्री बनते रहे बोले प्रधानमंत्री बनने से पहले कि बहुत हुई महंगाई की मार बहुत हुई बेरोजगारी बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार एक अकेला सब पे भारी तो महिलाओं के सम्मान में नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन ये नहीं बोला कि भाजपा के नेताओं से बचाओ आज जितना अत्याचार हुआ है बेटियों पे भाजपा के नेताओं के द्वारा हुआ एक अकेला गाँव के नेताओं के द्वारा कैसे हुआ है बहुत बड़ा विश्लेषण हो जाएगा चिन्मयन को देख लीजिए कुलदीप सिंगर को ले लीजिए ब्रजभूषण को ले लीजिए तमाम ऐसे लोगों का है ना वो जो भाजपा समर्पित नेता है कार्यकर्ता या पदाधिकारी है तो एक अकेला सब पे भारी मोदी जी ने कहा किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं भगवान हैं लेकिन एक छोटी सी मांग के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहे उनकी मांगे नहीं मानी गई एक साल यानी एक साल एक महीने तेरह महीने से ज़्यादा ये संघर्ष का युद्ध चला जिसमें साढ़े सात सौ किसान शहीद हो गए बोलते हैं भाइयों मेरी तपस्या में कमी रह गई अरे हमारे देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री चुना था तपस्वी नहीं चुना था तब मुझे महसूस हुआ एक अकेला सब पे भारी साढ़े सात सौ जाने चली गई फिर उसके बाद महिला पहलवानों को जो अपने बल से पौरुष से पराक्रम से दुनिया को झटका दे करके पटक करके आए थे तब जाकर के मेडल मिला था बिनेश फोगाट थी संगीता थी बजरंग पुनिया थे इधर अपना राज राजती करवाने में सिंगोल की पूजा करवाने में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र स्थापित करने में लगे हुए थे सिंगोल की पूजा कर रहे थे लेकिन वही बेटियां जो भारत का गौरव मान और सम्मान बढ़ाई थी उनको सड़कों पे घसीटा गया दुनिया वालों ने देखा मैंने कहा ये अकेला सब पे भारी अब हमारे प्रधानमंत्री के विश्लेषण हमने अपने और आगे बढ़ा दिया चर्चा का पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिले वो निपट गया श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मिले वो निपट गए नेपाल के प्रधानमंत्री से मिले उसकी कुर्सी चली गई यहाँ तक कि शक्तिशाली देश दुनिया का अमेरिका उसके राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं आपकी बार ट्रंप सरकार उनकी कुर्सी चली गई बेचारा जेल चला गया ये ये सब सब जितनी बातें बता रहे हैं मोदी की वजह से थोड़ी ना हुए जो होना था वो, वो तो हो गया ना जो हो गया हो गया ये एक अकेला सब पे भारी आज फिर किसान हमारे आंदोलन पे है विद्यार्थियों की नई शिक्षा गई उनके समझ में नहीं आ रहा है इतने दिनों से नई पेंशन स्कीम लागू की जा रही है पुरानी स्कीम जो है पेंशन की चालू की जाए जो जवान हमारे देश के रक्षा के लिए भारत देश के लिए शहीद होने के तैयार हो गए कितने मर गए आज उनके घर परिवार के लिए एक पेंशन नाम की चीज़ गुजारा नहीं दी जा सकती कितने जो है सांसद विधायक जो है पेंशन लेकर के मर गए एक अकेला सफ़ेद भारी क्या सरकार सुन नहीं रही है लोग जानते नहीं है कि कभी से कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी अटल जी के पहले तो सैनिकों को पेंशन मिलती थी लोग नौकरी करते थे रिटायर होते थे तो उनको पेंशन मिलती थी आज उसी पेंशन की मांग जगह जगह हो रही है किसानों के आमदनी के नाम पर दुगुना कर दिया जाएगा ये सब समस्या केवल तीन दिसंबर को हल होगा जैसे परिणाम आएंगे किसान सभ्य निधि भी तो बढ़ेगी दिसंबर को मोदी जी आ रहे हैं इस मोदी जी फिर एक बहम पैदा हुआ जैसे बोला दो में लाल किला के प्राचीर से झंडा फहराऊंगा वैसे राजस्थान में बोल के आए कि तीन दिसंबर को कांग्रेस छू मंत्र भैया छू मंत्र कैसे होगा छू मंत्र बोलने का काम तो जादूगर होता है जादूगर बोलेगा ना हमारे देश का प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेगा छू मंत्र विश्लेषण करने के बाद देखा गया कि राजस्थान का मुख्यमंत्री गहलोत सभी के लिए 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखा है आप किसी भी प्राइवेट कहीं भी चले जाओ पाँच सौ रुपये को वहाँ सिलेंडर मिलता है बच्चों को पढ़ाई लिखाई दवाई पोषक तत्व सारी चीज़ें मिलती है अब वहाँ की जनता के भला तो किया गया यही वजह है भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता गहलोत के खिलाफ कोई वर्ड नहीं बोल पाया कि अगर बोलते तो जनता नाराज हो जाती मोदी जी इतने तो आत्मविश्वास से इसलिए बोल रहे हैं उन्हें पता है जनता उन्हें प्यार करती है जनता उन्हें ही चुनेगी जनता भारत के अच्छे लोगों को चुनती है मोदी जी के जो है जुमलों में आकर के चुन लिया लेकिन जनता जितना पीड़ित है दो में गजल छोड़ दीजिए तीन दिसंबर का आप देख लीजिए एक अकेला सब पे भारी एक अकेला सब पे भारी होने की वजह से सारी चीज़ें जो है अडानी को दे दी है आकाश अडानी को पताल निर्वाली को अडानी को को दिया खदान बिजली अडानी को एयरपोर्ट अडानी को पोर्ट अडानी को हवाई जहाज़ अडानी को अभी आपने देखा होगा टनल में हमारे इकतालीस मई दूर उत्तराखंड में फंसे हुए हैं नवनिर्माण कंपनी अडानी की वो काम कर रही है नव निर्माण कंपनी अडानी काम कर रही है जिसका शिलान्यास मोदी जी ने ही किया था उस टनल के लिए चार धाम यात्रा के लिए एक अकेला सब पे भारी हर जगह एक अकेला सब पे भारी बोलते हैं तभी तो नौ साल से सत्ता में है वो अरे इसीलिए तो ना देश की सारी चीजों को निजीकरण कर दिया आज लोग जो हाँ सरकारी है सरकारी संस्थानों में नौकरी खोजने के लिए भटक रहे हैं की हमें नौकरी मिले हमें काम धाम मिले सब अडानी को निजीकरण एक अकेला सब पे भारी है अब सबको अकेले पे भारी नहीं चाहिए एक अकेला दे तो रहे हैं दो करोड़ रोजगार योग्यता के आधार पर एक लाख दस हजार रोजगार मिला है आप सफल हो सच्चे पत्रकार हैं मोदी जी की वादा था कि दो करोड़ नौकरियां देंगे आज मोदी जी बता दे किसी मंच से भारत के जो खाली पद पड़ पड़े हुए है ना उनको सृजित नहीं किया जा सका राजस्व विभाग में आप देख लीजिए डाक विभाग में आप देख लीजिए रेलवे में आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए खाली कुर्सी आप आज पद पड़े हैं उनको तो भर्ती किया नहीं जा सका ऊपर से छटनी अलग से हुआ है भारत की जनता समझ चुकी है योग्यता होगी तभी तो भर्ती करेंगे ना उन्हें वही स्कूल थे वही स्टूडेंट थे वही विद्यार्थी थे वही कोचिंग थे जहाँ से पढ़ पढ़ करके लोग योग्यता लाते थे डिग्री लाते थे डिप्लोमा लाते थे अच्छी अच्छी नौकरी मिलती थी आप बताइए अगर वैकेंसी निकली कोई परीक्षा संपन्न होने से पहले पेपर लीक पेपर लीक होता है कि नहीं लीक होता है परीक्षा संपन्न होने से पहले ऐसा क्या होता है बताइए सरकार की कमी है कि जनता की कमी है वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कह तो रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए आप अपना कुछ खोलिए पकौड़े तलिए सुनिए आत्मनिर्भर का क्या होता है अपने आप पर निर्भर हो जाना आत्मनिर्भर भारत जो आज़ादी के बाद होना शुरू हो गया जिस देश में सुई तक नहीं बनती थी हवाई जहाज़ बनने कंडीशन बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान रिसर्च भाव जैसे इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी जो है वैज्ञानिक संस्थान इसरो जैसे संस्थान खड़ा कर दिया गया है आत्मनिर्भर होने की पहचान थी तो लोगों को पढ़ा करके लिखा करके बड़ा करके ठीक है और उनको नौकरी दिया जाता था रिटायर होने के बाद उनको पेंशन दिया जाता था वो आत्मनिर्भर नहीं था आज आत्मनिर्भर के लिए हम इतना निर्भर है कि अपने जीवन की आवश्यकता के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ मंगाना है तो चाइनीस लाना होगा भारत में पढ़े लिखे नहीं है उद्योग नहीं ट्रेन लाना होगा तो दूसरे देश के ले आओगे आप बना सकते हैं ना हमारे देश में युवा नहीं है उनको दीजिए ना इंजीनियरिंग संस्थान बनाइए ना कि लोग रिसर्च करके नई नई सारी चीज़ें बनाए अब पेट्रोलियम पदार्थ का मूल्य बढ़ता जाए एक अकेला सब पे भारी कोई रोक नहीं बताइए तो क्या दिक्कत है वो बोल रहे हैं एक अकेला सब पे भारी सही तो, तो बोल रहे हैं ना यही तो बता रहा हूं मोदी जी एक अकेला सब पे भारी हो गए ना सब पे भारी हो गए बेरोजगारी पे भारी हो गए महंगाई पे भारी हो गए किसान पे भारी हो गए ठीक है आज यहां इतक इतना भारी हो गए इतना भारी हो गए इतना भारी हो गए कि देश की जितनी संपत्तियां थी अडानी को दे दिया आप बताइए मेहुल चौकसी नीरो मोदी ललित मोदी इन लोगों को लोन दिया गया था लोन दिया दिया कर्जा दिया गया था लेकिन लेकिन विदेश भाग गए आज एक आदमी को आप इतना सब कुछ देते रह, देते जा रहे रहे जा हो कल ये भाग गया तो क्या होगा आप बताइए कोई नहीं भागेंगे मोदी के वफादार है वो लोन लेते समय आदमी हर एग्रीमेंट देता करता है वो हो हो होता है वो वफादार होता है विश्वासघात कब कौन कैसे कर दिया देश के प्रति समाज के प्रति ना इसी देश के लोग न ऐसे ऐसे गद्दारी कर गए हैं कि भारत को जो है सर झुकाना पड़ गया ठीक है बहुत होता है विश्वास एक अलग चीज़ है और भी तो लोग उद्योग की घराने के हैं लोग टाटा जैसे ईमानदार है क्या कोई भारत में टाटा क्यों नहीं दिया जाता है आज हम टाटा ने जिस स्थिति में भारत को जो है लौ उत्पाद के मामले में बढ़ा करके आगे ले आया कोई और तो नहीं आया आज बन गया सब कुछ तो लोग और आ गए एक अकेला सब पे भारी तीन तारीख को आप लिख लेना तीन के बाद तीन दिसंबर जनवरी फरवरी किसानों को जो है समस्याएं भी सुनी जानेगी जवानों की भी समस्याएं सुनी जाएगी पेंशन की मांग सुनी जाएगी राशन जो है जो पाँच किलो दिया जाता है दस किलो दिया जाए किसान सम्मान निधि बढ़ा दी जाएगी बस एक अकेले सब पे भारी कुर्सी हर हाल, हाल में चाहिए कुर्सी हर हाल में चाहिए जनता उन्हें फिर क्यों चुन रही है जनता को इतनी तकलीफ है उनसे वो नौ साल से वो सत्ता संभाल रहे हैं फिर जनता को चुनना ही नहीं चाहिए था उन्हें बात आप सुनिए हाँ। सरकार चुनी जाती वादे वादे पे कांग्रेस भी कभी लुभावने वादे दी भाजपा भी लुभावने वादे हम बेरोजगारी कम कर देंगे महंगाई कम कर देंगे एक एक रुपए सिलेंडर पर भर जाता था महंगाई हो जाती थी आंदोलन करते थे आज बढ़ती हुई महंगाई को ये विकास समझने लगे हैं तो लोगों के समझ में आ गया है कि बहुत हुआ है अत्याचार नहीं सुनेंगे जनता की सरकार बहुत हुआ है अत्याचार अब नहीं सुनेगी ये जनता की सरकार अब सरकार जो है जनता की होगी अब मोदी सरकार नहीं होगी ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया तो इनसे हमने बात करी कह रहे हैं जो सरकार है अब जनता की होगी नहीं होगी मोदी सरकार ये कह रहे हैं तीन दिसंबर को अब वो रिजल्ट ही बताएगा क्या होता है फैसला जनता तो फैसला जो फैसला है वो जनता के हाथों में है कि किसको चुनती है किसको नहीं वो तीन दिसंबर को ही पता चलेगा ऐसी आई की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ देखते रहे जनित आवाज़